हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के एग्जाम्स के अंदर, जो इसका वेटेज रहता है मिनिमम 10 मार्क्स का रहता है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का रहता है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे करा रहा हूँ। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के बलबूते पे आप लोग जो है प्रीलिम्स पे एटलीस्ट स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वालिफाई नहीं बता सकता कि क्वालिफाई के लिए सारे चार पांच टॉपिक आपको अच्छी करने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग को रॉन्ग नंबर सीरीज, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डीआई के बिना आप लोगों का पेपर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और मिसलिनियस के 5-6 क्वेश्चन करोगे तभी आपका प्री निकलेगा, पर आप सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एटलीस्ट आपका जो है स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्रॉपरली पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 365 × 21 + 4 × 95 + 10 का स्क्वायर, यही दिया क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, 365 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कोई एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 21 को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 20 और 1 में, हो सकता है कि नहीं। 20 में अगर 365 और 20 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 2 = 10, 1 कैरी हो जाएगा, 5 × 6 = 12 + 1 = 13 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 + 1 = 7 = 30 हो जाएगा, है क्या नहीं। ऐसा हमें 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 6 × 2 = 12 + 1 = 13, 1 कैरी हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 1 = 70, तो 7 = 30 आया हमारा, ठीक है। फिर 365 को एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 365 एडिशन कर लीजिए, क्या मिलेगा, 1095, ठीक है। प्लस 95 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 × 4 = 20, 2 कैरी हो जाएगा, 9 × 4 = 36 + 2 = 380 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, यही मिला हमें। 1095 में हमें क्या ऐड करना है, 380 ऐड करना है, 5 + 0 = 5 एजिटी आ जाएगा, 8 + 9 = 17, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 1 = 4 आ जाएगा, और 1 का एजिटी 1 आ जाएगा। प्लस 100 करिए आप लोग, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है, ठीक है। तो 1575, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, 1575। पहले क्वेश्चन आंसर मिल गया, वो मिला हमें 1575, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 × 95 दिया, यानी 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, जिसका आखिरी डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना काफी इजी है, ठीक है। देखिए अभी 95 का स्क्वायर कैसे, 5 का स्क्वायर क्या 25 आ जाएगा, है कि नहीं। 9 का आगे वाला नंबर क्या 10, तो 9 × 10 = 90, 9025 माइनस, प्लस क्या बोला है, 65 × 90 करिए, 9 × 5 = 45, 4 कैरी हो जाएगा, है कि नहीं। 6 × 9 = 54, 54 + 4 = 58, 5850 = क्वेश्चन मार्क, है ना। क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 × 9 = 45, 4 कैरी हो जाएगा, 6 × 9 = 54, 54 + 4 = 58, तो 5850 मिला, ठीक है। 5 + 0 = 5 आ जाएगा, 5 + 2 = 7 आ जाएग�, 8 + 5 तो 8 आ जाएगा, 9 + 5 = 14 आ जाएगा, तो 14875। तो हमारा सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला, वो क्या मिला, 14875, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1024 जो है किसका स्क्वायर है, 1089 किसका स्क्वायर है, 1225 किसका स्क्वायर है, बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए 1024 जो है ये 32 का स्क्वायर है, प्लस 1089 जो है किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है, प्लस 1225 जो है किसका स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बोला है। 32 + 33 = 65, 65 + 35 = 100 आ जाएगा। तो हमें जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिला वो क्या मिला, 100, ठीक है। हमें जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिला है वो मिला है 100, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 9 × 9 × 9 यानी 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9 यानी 9 का क्यूब प्लस 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, 6 × 26 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है, 216 है, ठीक है। अभी 9 का जो है क्यूब है वो कितना है, 9 × 9 = 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 729, तो 9 का क्यूब कितना है, 729, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 6 × 6 = 36, 6 को अगर 216 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, 1296,
6 6 36, 3 कैरी जो 616 प्लस 9, 6 2 जा 12, तो 1296, 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 49 प्लस 9 का क्यूब कितना है, 729 है कि नहीं। अभी देखिए 729 में मुझे कितना ऐड करना है, 49 ऐड करना है, तो 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 7 का 8 नहीं 7 का एजेंट 7 रहेगा, 778 प्लस 1296 है कि नहीं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बोला है, तो ऐड कितना आ जाएगा, टोटल करिए 6 प्लस 8 14 आ जाएगा, है कि नहीं, 1 नंबर कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 प्लस 9 1 प्लस 1 10 आ जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, तो हमें जो आंसर मिला 2074, 6 प्लस 8 14 1 कैरी, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 कैरी 17 1 कैरी, फिर उसके बाद 7 प्लस 9 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, तो आंसर जो मिलेगा 2074, ठीक है, आया सब मैं आप लोग को। तो चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन क्या है, 9% ऑफ 9500, 9% ऑफ 9500 यानी 9 इंटू 9500 डिवाइड बाय परसेंटेज का वैल्यू, 100 से डिवाइड किया प्लस 65 इंटू 1300, क्योंकि ऑफ दिया इसलिए मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज दिया इसलिए डिवाइड किया, ये दो जीरो कट हो गए। अभी 95 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 से 45, 4 कैरी हो जाएगा, 9 9 से 81 प्लस 4 85, तो 855 आ जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, प्लस 65 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप लोग 10 और 3 में, इजी रहेगा आप लोग के लिए, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करिए 650 आ जाएगा, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 195 आ जाएगा, दोनों का एडिशन करने से क्या मिलता है 14, तो 845, तो 845 मिलेगा। अभी एडिशन कर लीजिए 855 प्लस 8445, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो 800 प्लस 800 1600, 55 प्लस 45 100, तो 1600 प्लस 100 1700, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें 1700, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, 9 इंटू 9500 था, परसेंटेज का वैल्यू जैसे 100 से डिवाइड किया, 95 को 9 से मल्टीप्लाई किया 845 आया, 855 आया, प्लस 65 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 को दो पार्ट में डिवाइड किया 10 और 3 में, 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया 650 आया, 65 को 3 से मल्टीप्लाई किया 195 आया, दोनों का एडिशन किया 845 आया, ठीक है, फिर 845 प्लस 855 जो ऐड किया मुझे कितना मिला 1700 मिला। तो इसी तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम ईजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तब भी कुछ भी डाउट हो क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है, एक काम करिए आप लोग, क्या करिए क्वेश्चन चालू, जैसे लेक्चर चालू होने से पहले आप लोग पहले खुद सॉल्व करिए, अगर आप लोग को नहीं आएगा समझ में तो पूरा लेक्चर देखिए, आप लोग के वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे लगता है आप लोग समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम ईजी वे में आप लोग को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपरली वीडियो देखा करिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।